नमस्कार, भारतवर्ष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दतिया के किले के बारे में जानेंगे। दतिया का किला या महल, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में नरेश वीर सिंह जुदेव ने करवाया था, उन्होंने इस महल को मुगल बादशाह जहांगीर से दोस्ती की याद में बनवाया था। बता दें कि इस महल को अटूट दोस्ती की मिसाल के रूप में जाना जाता है। यही वजह है कि इस किले को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। दतिया महल या सखंडा महल, इसका इतिहास 17वीं शताब्दी का है। सखंडा महल को वीर सिंह पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। यह महल बुंदेली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना होने के साथ ही मुगल सम्राट जहांगीर और दतिया नरेश वीर सिंह जुदेव की बेजोड़ दोस्ती का मिसाल है। इतिहास के अनुसार वीर सिंह के पिता मधुवर शाह मुगल दरबार से नाता रखते थे। इलाहाबाद में वीर सिंह देवर मुगल सम्राट जहांगीर की मुलाकात हुई और उन्होंने जहांगीर को गद्दी दिलवाने के मकसद से अबुल फजल की हत्या करने की गहरी योजना बनाई। वीर सिंह ने जहांगीर के साथ आगे भी दोस्ती निभाई। जहांगीर गद्दी मिलने के बाद सुरक्षित रह सके, इसके लिए उन्होंने सतखंडा या दतिया महल का निर्माण कराया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहांगीर एक बार भी इस महल में रुकने नहीं आए और यह किला हमेशा दोनों की ताम्र दोस्ती की निशानी बन गया। यह 7 मंजिल वाली इमारत लकड़ी या लोहे के किसी भी सहारे के बिना सदियों से मजबूत खड़ी है और यही बात है कि वीर सिंह पैलेस की वास्तुकला को एक अद्वितीय बनाती है। जानकर हैरत होगी कि इस इमारत को केवल पत्थर और ईंटों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। रोचक बात यह है कि इस इमारत में सीमेंट का उपयोग नहीं किया है, बल्कि दाल, गुड़ और तेल के प्राचीन मिश्रण से इस किले का निर्माण किया गया है। बता दें कि पहले के ज़माने में सभी चीज़ें सीमेंट की जगह इस्तेमाल होती थी। किले के प्रवेश द्वार पर विशाल परिसर शाही मेहमानों के स्वागत समारोह के लिए बनाया गया है। प्रवेश द्वार को जटिल चित्रों और नक्काशी से सजाया गया है, जिसमें भगवान गणेश और घोड़ों के चित्रों के अलावा चित्रित नाजुक लता और फूल मंदाना भी महल के अद्भुत प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाते हैं। चित्रों को ज़्यादातर सभी घरों में विशेष रूप से त्योहारों के दौरान देखा जा सकता है। दतिया पैलेस एक प्रकार का भूल भुलैया भी है। पैलेस की 2 मंजिलों पर अंधेरा रहता है और 3री मंजिल पर बालकनी है, जहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखा जा सकता है। सीलिंग पर मानव आकृतियाँ उपरी हुई हैं, जिसमें बुंदेली नर्तकियों को दिखाया गया है। यहाँ नर्तकियों को एक चक्र में सफ़ेद फूल के आसपास नृत्य करते देखा जा सकता है। इसे राय नृत्य कहते हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र का एक लोक नृत्य है। बता दें कि इसको वहाँ के किसी समारोह, शादी या त्यौहार के दौरान किया जाता है। जब आप 4थी मंजिल पर जाएंगे तो यहाँ का फर्श चौपाई प्राचीन भारतीय खेल से मिलता जुलता दिखाई देगा। पैलेस की 5वीं मंजिल पर सिर्फ एक कमरा है। सेंट टावर की ओर जाने वाले मार्ग खुदे हुए हैं और आंतरिक दीवारों पर भीटी चित्र बने हुए, जो बुंदेलखंड वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। दतिया पैलेस के अंदर गणेश मंदिर, दुर्गा मंदिर, इसके अलावा दतिया महल परिसर के अंदर एक दरगाह भी है। सुंदर प्रवेश द्वार, विशाल आंगन, सुंदर खिड़कियाँ, शहर के शानदार दृश्य और दीवारों पर कई पेंटिंग दतिया पैलेस के कुछ अविश्वसनीय आकर्षण है। इसलिए दतिया महल मध्य प्रदेश के खूबसूरत किले महलों में से एक है। अफसोस की बात यह है कि यह भारत का अनएक्सप्लोर्ड जगहों में से एक है। यही वजह है कि पर्यटक इस किले के बारे में बहुत कम जानते हैं। दतिया पैलेस को सतखंडा पैलेस, पुराण महल और वीर सिंह देव पैलेस जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। दतिया पैलेस ग्वालियर से लगभग 67 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी पर बना हुआ है। दतिया महल एक 7 मंजिला वास्तुकला है, जिसमें 2 मंजिल तहखानों में तैनात है। लकड़ी या लोहे के उपयोग के बिना पत्थर और ईंटों से बना तो पूरी 7 मंजिला इमारत किसी भी धातु या लकड़ी के समर्थन के बिना खड़ी है। दतिया महल की खास बात यह है कि इस महल पर कभी किसी का शासन नहीं रहा, यहाँ तक कि खुद राजवीर सिंह भी इस महल में नहीं रहते थे। दतिया पैलेस को खासतौर पर जहांगीर की यात्रा को चिन्हित करने के बनाया गया था, लेकिन अफसोस जहांगीर एक बार भी इस महल की यात्रा नहीं कर पाए। दतिया पैलेस में लगभग 440 कमरे और कई आंगन हैं। संरचना को पूरा करने में 9 साल लग गए। वीर सिंह देव पैलेस की दीवारें अविश्वसनीय चित्रों से सजी हुई हैं। ये चित्र जैविक रंगों का उपयोग करके बनाए गए हैं। दतिया किला सर एडविन लुटियन का फेमस किला है। बता दें कि एडविन वो ब्रिटिश वास्तुकार हैं जिन्होंने दिल्ली की ज़्यादातर इमारतें डिज़ाइन की हैं। दतिया महल भारत इस्लामी वास्तुकला के महान उदाहरणों में से एक है। राजपुतानी और मुगल शैलियों का मिश्रण है और इसे शानदार रूप देता है। इसके साथ ही किले के भीतर जाने के लिए अपने साथ एक टॉर्च ले जाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि महल में आप रास्ते में भ्रमित हो सकते हैं। साथ ही महल के दक्षिण दिशा में कामसागर झील को देखना ना भूलें। झील के केंद्र में बादल महल है,
जो अब एक छोटे मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया है। अगर आप वास्तव में महल को अच्छे से देखना चाहते हैं तो अपने साथ 3-4 घंटे का समय जरूर निकालें। दतिया से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोनगिरी है, जहाँ बहुत सारे जैन मंदिर हैं। दतिया की यात्रा करने के दौरान इस जगह पर जाना न भूलें। इसके साथ ही यह किला अपने आप में खास है और हमारे बीते हुए इतिहास को दर्शाता है। तो दोस्तों, हमारी ये एक दतिया किले के ऊपर एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।